वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर ये बारिश आफत भी बन गई है। जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली के आईटीओ पर भीषण जाम की स्थिति बनी है। देखिए, कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत। बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन जल भराव की वजह से जगह जगह लोग परेशान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें, और बारिश के बाद क्या आलम है वो आप देखिए। सुबह तड़के सुबह से तेज बारिश और उसकी वजह से जल जमाव, और इसकी वजह से यातायात में दिक्कतें लोगों को। आईटीओ पर जाम लगने की खबर है, वो भी सुबह सुबह, वर्किंग डे आज, और तेज बारिश की वजह से यहाँ पर भारी जल जमाव की स्थिति। और ये निश्चित रूप से जो ऑफिस गोअर्स हैं, जिन्हें ऑफिस पहुँचना है, दफ्तर में थोड़ा जल्दी पहुँचना है, उनके लिए एक बड़ी आफत। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, और इसकी वजह से जल जमाव की स्थिति। गर्मी से राहत जरूर है, उमस भरी गर्मी दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इस बारिश से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर जो आफत आन पड़ी है वो है जल जमाव की, वाटर लॉगिंग की, और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बारिश, कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश है। सुबह 5 बजे से ही बारिश का दौर जारी है, और नोएडा के भी कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। दो तस्वीर, बारिश देखिए, कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है, और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।